बिट्टा जी का रुख करना चाहेंगे। बिट्टा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है, एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे, कई लोग भी पकड़े गए, ये क्या बताता है? पाकिस्तान में बैठे लोग भारत में खौफनाक साजिश रच रहे हैं और उसका जरिया हो रहे हैं भारत के कुछ नौजवान जिनका इजिली ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखो जी, पाकिस्तान तो कई बार देख चुके, आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को नहीं कहते, पाकिस्तान का आवाम हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं जी, पर पाकिस्तान की ISI को आज भी हम चैलेंज करते हैं कि आज का भारत है जो वो भारत नहीं रहा। सबसे पहले देखना है कि हिंदुस्तान के जयचंद कौन है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना के ब्लास्ट करने की साजिश की, और उस वक्त की सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो राजनीतिक दबाव के नीचे आकर के SPG मांगती रही उस वक्त BJP नरेंद्र मोदी के लिए, और मेरे पास एक लेटर, मैंने जब पटना में ब्लास्ट हुआ 6 दिन पहले लेटर भेजा नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी आप जिंदा नहीं रहोगे, जो मैं TV में देख रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी का सुरक्षा का अनुभव है, जो 14 बार हमले सहे हैं, उसको लेकर के कहा आपकी सुरक्षा ठीक नहीं है, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, आपके ऊपर कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है, और जहां भी आपका काफिला निकले रास्ते में कहीं ट्रक हो, कहीं कार हो, स्कूटर हो, ध्यान से निकलिएगा, साजिश हो सकती है, और 5 दिन के बाद साजिश होती है। मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का मेरे पास इनपुट नहीं, मेरे पास को रॉ का इनपुट नहीं, मेरा का एक सुरक्षा का अनुभव था। अगर मेरे जैसे आदमी का सुरक्षा का अनुभव होता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ISI की लिस्ट पे आ चुका है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कई बुखला चुकी हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का समर्थक आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। लेकिन सर, आतंकी ब्रिगेड यहाँ पर एक्टिव है, उसको लेकर बड़े खुलासे और बड़े सवाल जरूर है।